तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। वो है स्टोरी सेवंथ क्लास चैप्टर नंबर 3, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा फिश की एक कहानी है, एक मछली का नाम होता है हिल्सा फिश, और इसके बारे में हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। अगर हमने वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से कवर अप कर ली तो हमारे लिए इंग्लिश में जो स्टोरी है वो पढ़ना इतनी ईजी हो जाएगी कि आप उसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिल्सा फिश के बारे में, और एक गोपाल नाम का बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है और ये किस तरीके से राजा को मतलब कन्वेंस करता है अपनी बात के लिए। तो चलो पढ़ते हैं। शुरुआत में देखिए क्या है। क्या आपने कभी मनोरंजन चित्रकला की पुस्तक पढ़ी है? एक मनोरंजन चित्रकला की कहानियां बहुत सारी पुस्तकों के द्वारा कही जाती है। इसके कठिन शब्दार्थ पढ़ते हैं जो कि अगर हम पढ़ लें तो बहुत अच्छा होता है। मॉन्गर, मॉन्गर बोलते हैं व्यापारी। हाउस होल्डर, मकान का या किराएदार का व्यक्ति। पैलेस, राजभवन, प्रसाद। कोर्टियर, दरबारी, जो कोर्टियर होता है दरबारी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिल्सा फिश का एक मौसम चल रहा था। मछुआरे हिल्सा फिश के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। हिल्सा फिश के व्यापारी हिल्सा मछली के अलावा कुछ नहीं बेच रहे थे। व्यापारी, अब व्यापारी बोलता है, आओ खरीदो, आज हिल्सा फिश की कीमत कम है। घर वाले, किराएदार आदि हिल्सा फिश मछली के अलावा किसी भी बिंदु पर बात नहीं कर सकते थे। महिला बोलती है, आपने इस हिल्सा फिश के लिए क्या पैसा दिया है? क्वेश्चन। पुरुष बोलता है, आदमी बोलता है, आप विश्वास नहीं करेंगी कि अगर मैं आपके बारे में इसके बारे में बताऊं तो दरबार में दरबारी के केवल हिल्सा फिश के ही बारे में बात कर रहे थे, अन्य कुछ भी नहीं, यानी इसके अलावा कुछ भी कोई बात नहीं कर रहा था। अब दरबारी बोलता है, महाराज, आप अगर हिल्सा फिश की एक मछली देख पाते जिसको मैंने पकड़ा था, यह थी। अब पेज नंबर 37 पे हम जो है पढ़ेंगे इसके कठिन शब्दार्थ। पेज नंबर 37, तो पढ़ते हैं आगे कठिन शब्द है। डाउनकास्ट, नीचे झुकाना, भिन्न निराशा, गिल्टी, अपराधी, टेम्पर, किसी भी विशेष क्षण को मनोदशा, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, ग्रहण करना, चैलेंज, चुनौती। चलो बात करते हैं आगे। राजा, बंद करो इसे, आप दरबारी हैं या मछुआरे? दरबारी शांत होकर नीचे की आंखें करने लगे। राजा ने अपने आप को अपराधी समझा, मतलब इसे कहने के बाद राजा को थोड़ा गिल्टी हुआ। राजा बोलता है, मुझे दुख है, मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। इस समय हिल्सा फिश का मौसम चल रहा है और कोई भी, गोपाल भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता था। वह केवल 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता था। गोपाल, अब गोपाल बोलता है, महाराज, मैं सोचता हूं मैं इसे बंद कर सकता हूं, मतलब ये राजा से बोलता है गोपाल। गोपाल एक दरबारी होता है तो वो इस तरीके से बोलता है राजा से। अब राजा बोलता है, तब मुझे इसे देखने दो, आप एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदिए और आप इसे राजमहल तक लेकर आइए और मैं आपसे कोई भी शब्द के बारे में नहीं पूछे। तो राजा ऐसे मतलब इस तरीके से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ वहां से आऊं कहीं से, तो अगर रास्ते में कोई भी मुझसे या तुमसे कोई हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे तो, और हिल्सा फिश तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब गोपाल बोलता है, महाराज, मैं यह चुनौती जो है स्वीकार करता हूँ। चुनौती का जो है जो होता है इसे हम बोलते हैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब हम पेज नंबर 38 पे पढ़ेंगे। पेज नंबर 38 है, इसके कुछ जो कठिन शब्द हैं वो पढ़ लेते हैं। पहले लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, एक लेटर वाला होता है जो लिखने वाला, उसमें डबल टी होता है। एक होता है मैटर, मैटर होता है मामला। स्मियर, चौपड़ना लगाना। डिसग्रेसफुल, लज्जाजनक यानी शर्मनाक, डिसग्रेसफुल शर्मनाक। रेज, फटे पुराने कपड़े। हैपन, होना। तो अब हम आगे कहानी पढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद गोपाल की पत्नी, आपके आधे चेहरे की दाढ़ी क्यों नहीं बनाई हुई है? तो गोपाल बोलता है, मैं एक मछली को खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। गोपाल की पत्नी को क्या हो गया है आपको? गोपाल की पत्नी बोलती है, क्या हो गया है आपको, आप स्वयं को राख में क्यों पोत रहे हैं? अब गोपाल बोलता है,
मैंने आपको बताया था मैं एक हिल सफिश खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, गोपाल की पत्नी बोलती है। मेरी बात सुनो, मैं कृपया आप इस प्रकार के लज्जाजनक चिथड़े वस्त्रों में संभव बाहर मत जाइए, मतलब वो अपने कपड़े वपड़े फाड़ के बाहर निकल के जा रहा होता है। और आप क्या करने जा रहे हैं, गोपाल बोलता है, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा भद्र महिला, मैं एक बड़ी मछली खरीदने जा रहा हूँ। गोपाल की पत्नी बोलती है, स्वयं से यानी अपने आप से क्या हो गया है इन्हें, शायद पागल हो गए हैं। पेज नंबर 39 में कठिन शब्दार्थ है कॉमिकल, हाइस्टर यानी विनोदक, मिस्टिस रहस्य, साधन सन, सी माने होता है मिलना, एक सी माने होता है देखना, गेट अवे किसी व्यक्ति या स्थान पे चले जाना। स्टोरी चाल गोपाल ने एक हिलसा फिश खरीदी और राजमहल की ओर जाने लगा। बालक बोलता है, माँ उस आदमी को देखो, क्या वह हाइस्कर नहीं लग रहा। पहला व्यक्ति, वह अवश्य ही पागल हो गया है। दूसरा आदमी बोलता है, हश, मैं सोचता हूँ कि एक रहस्यमयी साधक संत है। जब गोपाल राजमहल पहुंचता है तो पहला सैनिक, तुमको क्या चाहिए भाई। गोपाल बोलता है, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। दूसरा सैनिक बोलता है, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहां से निकल जाओ। गोपाल जोर जोर से नाचने लगा और गाने लगा। तो अब जो है इसके जो कठिन शब्द है पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 40। और कठिन शब्द है क्रेजी, क्रेजी माने होता है संकी, पागल, ठीक है। लेट लेट माने होता है आज्ञा देना, LET लेट, लेट माने आज्ञा देना या कोई अपनी आज्ञा देना होता है, ठीक है। और एक होता है लॉस्ट हिज माइंड, लॉस्ट हिज माइंड का पागल होना, यानी अपना जो दिमाग है खो देना। तो एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हिल्स ऑफ फिश की कहानी में। तो पेज नंबर 14 है, राजमहल के अंदर राजा कई आवाजें सुनता है। पहले आवाज, यह आदमी पागल है। दूसरी आवाज, उसे तुरंत ही बाहर फेंक दो। तीसरी आवाज, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। राजा बोलता है, उस आदमी को तुरंत ही मेरे पास लाओ। सैनिक, जी महाराज। पागल को राजा के सामने लाया गया। पहला दरबारी, यह तो गोपाल है। दूसरा दरबारी, आदमी पागल हो गया है। तीसरा दरबारी बोलता है, मैं सोचता हूं यह उसका एक हाइस्कर चुटकुला है। अब हम इसके पेज नंबर 41 के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। रिडिलियस यानी मूर्खता और बेतुका, फैशन प्रचलन शैली, सीम प्रतीत होना, अचीव माने होता है पाना, पर अचीव्ड माने होता है पाना, यानी मैं पाया या पा चुका, ठीक है। तो अब हम आगे कहने देखते हैं। तो जो राजा बोलता है, राजा ठीक है गोपाल, अब हम इससे बाहर आओ, तुमने तो यह मूर्खतापूर्ण प्रचलन किस लिए धारण किए हैं। गोपाल बोलता है, महाराज आप शायद कुछ भूल रहे हैं। राजा, कुछ भूल गया। गोपाल, बहुत ही अजीब बात है, आज कोई भी हिलसा फिश के बारे में बात करने में रुचि नहीं ले रहा, बाजार में महल तक और दरबारी में भी एक भी व्यक्ति ने हिलसा फिश के बारे में, जो मतलब मेरे पास जो हिलसा फिश है उसके बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। केवल उसी समय राजा को यह चुनौती याद आई और उसने गोपाल के सामने रखी थी। राजा हंसते हुए, हा हा हा, बहुत अच्छा गोपाल, बधाइयां, आपने पुनः ही असंभव को एक बार और प्राप्त कर लिया। राजा हिलसा फिश के बारे में और अधिक बात क्यों नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जो स्टोरी है, मतलब आपको कैसी लगी, अगर ये आपको पसंद आई, अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आगे की स्टोरी सुनने के लिए कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हम आगे की स्टोरी आपके लिए बनाए और अगला चैप्टर जो है उसके लिए हम किस तरीके से, अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप हमें बताइए ताकि हम उसे थोड़ा सुधारें।
और आप इसे सेवंथ वालों को जिनका चैप्टर नंबर 3 उन्हें याद करने के लिए या उन्हें एक बार अगर भेजोगे आप तो शेयर करें हमारी वीडियो, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।